हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अब आपको मैं सिखाऊंगा घर पे कैसे रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी मैगी बना सकते हैं। ये हमारा सामान है, ये मैगी है, ये कैप्सिकम है, ये प्याज है और ये ग्रीन मटर है। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, सरसों का तेल डालता हूँ मैं, ये टेस्ट अच्छा रहता है। आप रिफाइन का यूज कर सकते हैं। पहले हम सरसों का तेल डालते हैं। अभी हमारा तेल गर्म हो गया। पहले हम प्याज को डालते हैं। उसके बाद उसमें हम टमाटर ऐड करते हैं, फिर उसको थोड़ा हमारा प्याज और टमाटर हो गया। उसके बाद हम कैप्सिकम डालते हैं और उसके बाद ये ग्रीन मटर है, उसके बाद डाल देते हैं। उसका मिक्सर से हमारे पकड़ लीजिए कैप्सिकम और ग्रीन मटर को। अभी हमारा कैप्सिकम और ग्रीन मटर अच्छे से सूख गया है, इसलिए हम उसमें आधा मसाला ऐड करते हैं। तो इसे चम्मच घुमा दे रहे हैं, नहीं तो अच्छे से लग सकता है। पूरा अच्छे से हमारा बन रहा है, देखिए। अभी उसमें थोड़ा हम पानी ऐड करते हैं, थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम मैगी को डालते हैं, मैगी को अच्छा अच्छे से तोड़ के डालना, फिर उसका थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। हम अभी मैगी को डाल दिए, फिर उसको छोड़ देते हैं। अभी हमारा मैगी हो गया है, उसमें टेस्ट आने के लिए उसमें और थोड़ा हम मैगी मसाला ऐड करते हैं, फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें आपका स्मेल अच्छा आएगा और टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है अभी से। अभी हमारा मैगी बनके तैयार हो गया है, उसके बाद हम अभी गैस बंद कर देते हैं। उसके बाद हम प्लेट में उसको रख लेंगे। मैगी प्लेट में आ चुका है, उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए उसमें अंडा ऐड कर देते हैं, ये दिखने भी अच्छा रहेगा और उसमें और थोड़ा टेस्ट लाने के लिए उसमें थोड़ा चीज़ ऐड कर देंगे। अब आपका रेस्टोरेंट जैसा मैगी आप उसको टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में और परिवार को खिलाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।